अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई एक प्रोग्रेशन जो दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यानी एक लिस्ट ऑफ टर्म्स दी है तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं या नहीं, क्या कैसे कह सकते हैं। ठीक है, आज के पार्ट में हम देखेंगे कि भाई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है। ठीक, हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होती है, ठीक है, वो कैसे होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है 3, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। आपको पता है कि ये कॉमन डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए इसमें हर बार हम एक कॉमन डिफरेंस रख रहे हैं, थोड़ा और रखते हैं 7, ठीक है, तो 3 + 7 कितना होता है 10, 10 + 7 कितना होता है 17, फिर 17 + 7 कितना होता है 24, 24 + 7 कितना होता है 31, 31 + 7 38, 38 + 7 45, ठीक है। अब अगर ये यहीं रुक जाता है, ये आगे नहीं बढ़ता है, पहली चीज़ ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है देख लीजिए एक बार, 10 - 3 = 7, 17 - 10 = 7, 24 - 17 = 7, 31 - 24 = 7, 38 - 31 = 7, 45 - 38 = 7। हमें ये चेक करना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो अगर ये कंटिन्यू होता, ये टर्म्स और आगे बढ़ती जाती है और डैश डैश होता, तो हम इसे क्या कहते, हम इसे कहते इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बट क्योंकि ये रुक गई है यहाँ 45 पे, आगे रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें ये जो है ये कहलाती है, ये कहलाती है फर्स्ट टर्म, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, ठीक है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फिर इसके बाद इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकेंड टर्म, तो इसमें हमने क्या किया, ए और इसमें मिला दिया एक कॉमन डिफरेंस, क्या मिला दिया, कॉमन डिफरेंस यानी डी। डी क्या है हमारा, देखते हैं। फिर ये जो है ये कहलाता है ए, ए में क्या मिला दिया, 2 बार डी, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या किया, ए में क्या मिला दिया, 3 बार डी। फिर इसमें देखिए, इसमें हमने क्या किया, ए में 4 times D। फिर इसमें देखिए, इसमें देखिए ए में क्या मिला दिया, 5 times D। समझ में आ गया आपको क्या कर रहे हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ऐसे D के मल्टीपल्स यानी कॉमन डिफरेंस के। तो हम A को क्या कहते हैं, A कहलाती है फर्स्ट टर्म, क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म। और D क्या कहलाती है, D है कॉमन, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ओके, डी है कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया आपको। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, समझ लीजिए, हम इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या है पता है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस 2D, बताइए आगे a प्लस 3D एंड सो ऑन, ठीक है, a a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D एंड सो ऑन। ये कहलाता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर d क्या है, d है हमारा कॉमन डिफरेंस, d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, और a क्या है फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है बस। तो हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक तो होना चाहिए हमारे पास फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको, ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारी जो टर्म्स हैं इन्हें कहते हैं हम टर्म्स, कहते हैं क्या कहते हैं, टर्म्स। तो अगर मानो कि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन्थ टर्म, सेवन्थ टर्म है, सेवन टर्म के बाद रुक गया है। अब मान लीजिए आपको इस एपी का 15th टर्म, कितना
15 टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 15 टर्म में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, उसे कहते हैं हम an, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि a n हमें कौन सा निकालना है, 15, क्या निकालना है a 15, ठीक है। हमारा a क्या है देखिए, इनमें एक फर्स्ट टर्म यानी 3, n क्या है हमारा, n हमारा इस समय है 15, तो 15 माइनस 1 यानी कि 14, और कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा देखिए, 3 प्लस क्या किया था हमने, 7 है ना, तो इंटू 7, ठीक है। अब हमें ये चीज़ जो हमें टर्म है ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। क्या है वो, 3 प्लस 14 इंटू 7, तो 14 7 क्या होता है देखिए, 14 7 होता है 98, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 98, और 3 प्लस 98 क्या होता है 99101, यानी समझा मैजिक आपको, यानी हमारे पास कितनी टर्म्स थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 टर्म्स थी, और हमने कौन सी टर्म निकाली इसी सीक्वेंस में आगे, 15वीं टर्म। ये किस के बल पे निकाल ली हमने, इस फॉर्मूले के बल पे, क्या है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी आपके पास शुरू की 3 टर्म हो या 4 टर्म हो, समझ लीजिए बात को, शुरू की 3 टर्म हो या 4 टर्म हो या 5 टर्म हो, आप आगे की कोई भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए, जिसे हम क्या कहते हैं, nth टर्म, nth टर्म, यानी n की जगह आप कुछ भी ले लो, 15th टर्म, 20th टर्म, 23rd टर्म, 100th टर्म, 100वीं, 200वीं, कुछ भी कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है अच्छे तरीके से, समझ में आ गया है, कुछ और प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ओके। होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ओके। सो विल स्टॉप हियर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर।